हेलो नमस्कार, मैं विक्रम कुमार। मिशन कॉम्पिटेटिव मैथ में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को रेशियो का चैप्टर लेकर चल रहे हैं, जिसमें टाइप नंबर 6 में पिछले वीडियो में भी मैं गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न लेकर आया था। तो आज हम गाय और मुर्गा पर संबंधित प्रश्न से हम आगे लेके चलेंगे और आगे क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए हम आप लोग को गाय मुर्गा पर संबंधित प्रश्न को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो चलिए, गाय मुर्गा पर संबंधित प्रश्न में रेशियो का ये पैक चल रहा है और इससे आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, इस पर आधारित क्वेश्चन रहता है। जैसे आप पढ़ लें प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आपका परसेंटेज, उसके बाद आपका एवरेज, उसके बाद आप पढ़ लें एसआई, इस तरह के क्वेश्चन आपको गाय मुर्गा पर संबंधित प्रश्न में मिलते हैं। तो चलिए गाय मुर्गा पर जाते हैं। किसी बाड़े में कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं, इसमें सिर की संख्या 40 है तथा पैर की संख्या 130 है, तो बताइए कि गाय की संख्या क्या होगी। इसमें दो चीजें पूछती है, तो गाय और मुर्गा के प्रश्न जो रहते हैं उसमें किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछते हैं उसमें दो तरह के आपके प्रश्न होते हैं। जब भी अगर कोई क्वेश्चन में अगर दो भागों में बांटना होता है, यानी दो चीजों को दो भागों में अगर बांटना है, एक संख्या दिया हो रहेगा, अगर दो भागों में बांटना है तो हम गाय मुर्गा का कंसेप्ट लेके चलेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन आपका है कि किसी बाड़े में कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं, इसके सिर की संख्या 40 है। यानी संख्या है 40, इसका मतलब है कि टोटल जो सिर की संख्या है वो आपका 40 है। तो ये सिर आपका 40 है और आपका पैर की जो संख्या है वो आपका 130 है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए गाय की संख्या क्या होगी। तो चलिए, गाय की संख्या निकालने के लिए कंसेप्ट क्या है, हम बोल रहे हैं कि गाय है और एक तरह का मुर्गा लेते हैं, यानी मुर्गा मुर्गी जो भी है। तो चलिए, ये मुर्गी है तो आपका एक गाय है और एक तरह का मुर्गी है। हम जानते हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए गाय की संख्या क्या होगी, वही मुझे क्या करना है, निकालना है। कंसेप्ट क्या है इसका गाय मुर्गा पर संबंधित प्रश्न में, कि अगर गाय निकालना है तो सबको मुर्गी माने और अगर सबको मुर्गी निकालना है तो सबको गाय माने। तो चलिए, गाय मानना है तो सिंपल सी बात यह है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गाय की संख्या क्या है। मेरा कंसेप्ट कहता है कि अगर आपको गाय निकालना है तो सबको मुर्गी मान ले। तो अगर मुर्गी मानेंगे तो जानते हैं कि टोटल सिर की जो संख्या है वो 40 है, और अगर हम सबको मुर्गी मान रहे हैं, आपके पास अगर 40 को सिर है और एक मुर्गी का 2 पैर होता है, तो अगर हम टोटल पैर की संख्या की बात करें तो 40 × 80, यानी मेरा कंसेप्ट क्या है कि गाय निकालना है तो मुर्गा, मुर्गा निकालना है तो गाय, यानी मुर्गी निकालना है तो गाय माने, गाय निकालना है तो मुर्गी माने। तो जरा सोचने वाली बात है कि अगर टोटल पैर निकालते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे गाय पूछा है, तो टोटल मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए 40 को सिर है और एक मुर्गी का 2 पैर होता है, तो टोटल 40 × 80 के बराबर होगा। और हम कह रहे हैं कि यहां टोटल पैर की संख्या 130 है, तो हम कहना ये चाहते हैं कि जो सिर से यहाँ पे कनेक्ट करके निकाले, क्योंकि मुझे गाय चाहिए था और गाय के कनेक्ट से हम निकाले, तो 130 में −80 कर देंगे तो आपका आंसर जो होगा 0 होगा, यहाँ आपका 5 होगा, यानी आपका आंसर 50 है। तो दोनों पैरों की संख्या ध्यान में रखना है यहाँ पे, कि जो ओरिजिनल पैर देगा 100 और जो हम पैर निकालेंगे 100, दोनों को हमेशा सबट्रैक्ट करेंगे, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो चलिए, यहां दोनों के बीच का अंतर 50 और हम कह रहे हैं यहां दोनों के बीच का अंतर कितना, 2, और दोनों को कट करेंगे तो आपका आंसर 25 होगा, यानी आंसर जो आया वो 25 के बराबर आ गया। अब बात आती है कि अगर गाय निकल गया तो मुझे क्या निकालना है, मुर्गा निकालना है या मुर्गी निकालना है। तो अगर गाय निकल गया तो मुर्गी अगर निकालना होगा तो मुर्गी कैसे निकालेंगे, तो टोटल आपका कितना है 40 और यहाँ आपका 25, तो रेस्ट जो बचा वो 15 के बराबर आएगा। अब कोई लड़का बोला कि सर आप डायरेक्ट क्यों नहीं निकाले, तो डायरेक्ट कैसे निकलेगा, तो यहां देखना, अगर मुर्गी की संख्या हम आप डायरेक्ट निकालेंगे तो मेरा कंसेप्ट कहता है कि अगर गाय निकालना है तो सबको मुर्गी माने, अगर मुर्गी निकालना है तो सबको गाय माने। अगर मुर्गी निकालना होगा तो सबको गाय मानेंगे, तो टोटल 40 को सिर, यानी टोटल सिर मतलब 40, क्योंकि सिर सबका एक होता है। एक रामानी था जिसका 10 को सिर था, लेकिन गाय का अगर अपवाद में अलग सी बात है कि गाय का एक आध को 2 को हो जाता है, वो अलग अलग बातें होती है, लेकिन आपको समझना है यार कि सिर जो सबका होता है एक होता है, यानी गाय 40 को होगा और 40 को एक गाय का 4 पैर होता है, तो चचों को 16, यानी टोटल 160 होगा और यहाँ आपका 130 होगा, और 160 में 130 को घटाएंगे तो आपका आंसर 30 होगा। यानी मेरी बात को समझना है कि अगर मुर्गी निकालना है तो सबको गाय मान लेंगे और टोटल सिर से गुना कर देंगे, और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो
टोटल पैर दे रखा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो सब्ट्रैक्ट आएगा तो फिर वही लगा देंगे। बुक कह रहा है कि टोटल अंदर कितना 30, और हम कह रहे हैं यहाँ 2, और कट करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा 15 होगा। ये तो गाय और मुर्गा पर ही क्वेश्चन था, लेकिन ये सारा क्वेश्चन होता है कि दो भागों में अगर किसी चीज को बांटना है तो आप गाय और मुर्गा पर संबंधित कंसेप्ट को क्या कर सकते, लगा सकते। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? चलिए तो आपका गाय मुर्गा के कंसेप्ट पर ही हम आगे क्वेश्चन देख रहे थे। तो आपका आगे क्वेश्चन है कि हम अभी क्वेश्चन बता रहे थे कि गाय मुर्गा का क्वेश्चन जब ही आपका कंसेप्ट फॉलो करेगा जब दो भागों में किसी चीज को क्या करना हो, बांटना हो। तो जैसे कहता है कि कस्बे में पुरुष तथा स्त्रियों का कुल संख्या 7,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि तथा स्त्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाए तो पूरी जनसंख्या में 800 की वृद्धि हो जाती है, तो बताएं कि कस्बे में पुरुषों की संख्या क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन आपका था कि हम बोल रहे थे कि गाय मुर्गा पर क्वेश्चन अभी चल रहा था, तो टॉपिक आपका जो है अभी वो गाय मुर्गा पर क्वेश्चन है, यानी गाय मुर्गा पर संबंधित प्रश्न, यानी गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न। तो आइए गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न में आपको क्वेश्चन है, और गाय मुर्गा आधारित पर तभी कंसेप्ट फॉलो करेगा जब उसको दो भागों में क्या किया जाए, बांटा जाए। तो दो भागों में बांटने की बात आती है, तो जरा देखना है यहाँ कैसे दो भागों में बांटना है, क्योंकि टोटल 7,000 है और 7,000 में पुरुष भी है और क्या है, स्त्री है। यानी हम क्वेश्चन पहचान लेंगे कि अगर दो भागों में किसी चीज को बांटना है तो हम गाय और मुर्गा का कंसेप्ट क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग को कमेंट होता है, बहुत सारे लोग को परेशानियां होती है कि सर आप गाय मुर्गा पर क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे कि गाय मुर्गा पर संबंधित प्रश्न है। तो गाय मुर्गा पर संबंधित प्रश्न तभी पहचाना जा सकता है जब आप दो भागों में अगर किसी चीज को बांटना है या दो भागों में अगर आपको विभाजित करना है तो हम गाय मुर्गा को कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, और गाय मुर्गा का कंसेप्ट तभी फॉलो होगा जब दो भागों में किसी चीज को क्या करना हो, बांटना हो। यानी संख्या को अलग अलग कूटना, जैसे पुरुष और महिला की संख्या पूछ लिखा है, उसके बाद कहता है कि 2000 रुपया में गाय तथा मुर्गा खरीदे और उस पे लिखे तो गाय का कितना दाम होगा। तो ये हम आपको बता सकते हैं कि ये गाय मुर्गा पर संबंधित प्रश्न है। तो लगता है आप सीख चुके होंगे कि गाय मुर्गा पर संबंधित प्रश्न को कब हम फॉलो करेंगे, और बहुत है कि 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए आइए, क्वेश्चन आपका है, तो सबसे पहले हम कहना चाह रहे हैं कि टोटल जो संख्या है वो 7,000 है, यानी टोटल आपका 7,000 है और वृद्धि, तो कुल जो आपका संख्या है, तो कुल संख्या जो आपका है वो 7,000 है, और बाकी यहाँ आपका कहता है कि संख्या जो आपका है वो टोटल में वृद्धि जो हुआ है वो आपका 800 है, यानी 800 है, और बाकी आपका कहता है कि पुरुषों में जो है वो 10% की वृद्धि और महिलाओं में जो है आपका 15% की वृद्धि हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कि उसमें पुरुषों की संख्या क्या है। लगता है गाय मुर्गा का कंसेप्ट था कि अगर गाय निकालना है तो सबको मुर्गा मानेंगे, और अगर मुर्गा निकालना है तो सबको क्या मानेंगे, गाय मानेंगे। तो चलिए आइए यहाँ शुरू करते हैं कि पुरुष निकालना है तो सबको महिला मानेंगे यानी स्त्री मानेंगे, तो चलिए स्त्री को निकालते हैं। अगर पुरुष निकालना है तो सबको स्त्री मान लेंगे। तो यहां आपका बात है कि अगर पुरुष और महिला या स्त्री, पुरुष में 10% की वृद्धि और महिला में 15% की वृद्धि, और अगर पुरुष निकालना है तो सबको स्त्री मानेंगे, और अगर स्त्री निकालना है तो सबको क्या मानेंगे, पुरुष मानेंगे। तो अगर स्त्री निकालेंगे तो हम कहना चाह रहे हैं कि अगर पुरुष निकालते हैं तो टोटल क्या हजार है, 7,000 है, और 7,000 का मुझे 15% निकालना है, और सबको पता है कि परसेंट जो होता है वो 2 जीरो को खा जाता है। तो चलिए 7,000 का 15%, यानी हम निकाल के आपको बताते हैं 7,000 का 15%, क्योंकि हम जान रहे हैं परसेंट घट के कहां जाएगा, नीचे जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 15 से 75 से, यानी 100 कितना होगा, 5 होगा, और 1 जीरो तो 1 जीरो। बस ध्यान रखना है कि ये 1050 कहां से आया, तो इस 7,000 का क्या परसेंट, 15%, 7,000 का अगर हम 15% निकालते हैं तो ये सी कैंसिल, और 15 से 75 से आपका आंसर जो होगा वो 1050 के बराबर होगा। तो अगर यहाँ 1050 आ गया, यहाँ आपका 800 आ गया,
तो वहां 1050 है, यहां आपका 800 है और दोनों का हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो 1050 और 800 का जो अंतर है, 0 का 0, 5 का 5, 2 का 2, यानी आपका आंसर यहां 250 आ गया। तो अब कुछ करना नहीं है, हम बता रहे थे कि जब ओरिजिनल का और यहां जो आप निकाल के लाए उन दोनों का हमेशा अंतर निकालेंगे, और अंतर निकालने के बाद जो अंतर आएगा तो यहां टोटल अंतर 250 का, यहां टोटल अंतर 5% का, तो यहां टोटल 5% का परसेंट हटाएंगे, याद रखना है यहां पे, इन्हीं के भी काट देंगे, ये परसेंट को हटा के कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और ये से कैंसिल 50 बार में, यानी आपका आंसर जो होगा वो 5000 के क्या होगा, बराबर होगा, यानी आपको 700 में 5000 जो है वो क्या है, पुरुष है। और अगर स्त्री की बात करेगा तो हम स्त्री निकालेंगे और स्त्री की जो संख्या होगी वो क्या होगा, तो इसलिए अगर 7000 का अगर हम 10% निकालना चाहेंगे तो 7000 का 10% जो होगा वो 700 होगा, और 700 और 800, 700 800 का अंतर 100, 100 बटा 5 करेंगे तो आपका आंसर उधर चला जाएगा, तो 20-25 यानी आपका आंसर जो होगा वो 2000 के बराबर होगा। और नहीं तो अगर दोनों चीज में से एक चीज निकाल लेंगे तो 7000 में से 5000 खत्म हो गया तो आपका आंसर जो होगा वो 2000 के क्या होगा, बराबर होगा। लगता है आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो जब भी दो भागों में अगर बांटना हो तो गाय मुर्गा पर संबंधित प्रश्न को आप आसान तरीका से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए हम आगे गाय मुर्गा पर संबंधित प्रश्न को देखते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन अभी था, हम गाय मुर्गा पर रेशियो में क्वेश्चन पढ़ रहे थे, लेकिन अभी आपका क्वेश्चन ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार फिर मुलाकात होगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में आपको अगर पढ़िएगा तो आपको ज्यादा लंबा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि अगर एक व्यक्ति ने 750 रुपया में एक किताब तथा एक कलम खरीदा। हम अभी बार बार चर्चा कर रहे थे कि गाय और मुर्गा का जब कंसेप्ट लागू होगा, जब किसी भी क्वेश्चन में अगर दो भागों में बांटना है, चाहे वो जिस तरह का क्वेश्चन हो, जिस चीज का क्वेश्चन हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है लेकिन हम रेशियो में देख ले रहे हैं, गाय और मुर्गा का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए हम आप लोगों को देखते हैं कि एक व्यक्ति 750 रुपया में दो, यानी टोटल जो आपका था क्वेश्चन में कि टोटल आपको 750 रुपया में दो चीजें खरीदी, यानी दो चीजों 750 रुपया में था, लेकिन कहता है कि कलम पर और किताब पर जो उसने लाभ कमाया वो कै परसेंट, 5%, और कलम पर जो लाभ कमाया वो कै परसेंट, 12%। आपका कंसेप्ट कह रहा है कि अगर किताब निकालना है तो सबको कलम मानेंगे, और अगर कलम निकालना है तो सबको क्या मानेंगे, किताब मानेंगे। तो आइए, टोटल आपका 750 है और यहाँ पे अगर कुल सौदे में जो लाभ हुआ है वो आपका 41 रुपया लाभ हुआ है, तो पूरे सौदे में 41 रुपया का लाभ हुआ और यहाँ पे टोटल जो आपका है वो 750 के बराबर है, तो टोटल 750 के बराबर लाभ आपका 41 रुपया का हुआ, तो किताब और कलम 5% और 12% के बराबर होगा। तो चलिए, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो आपका किताब है और कलम है, और कलम की बात करें तो आपको अगर जो पूछा वो निकालेंगे, तो क्वेश्चन में पूछा कि किताब का क्रयमूल्य क्या है, यानी मुझे किताब मानना है तो सबको कलम मानेंगे, और कलम निकालना है तो सबको क्या मानेंगे, किताब मानेंगे। तो चलिए, किताब निकालना है तो सबको कलम, और कलम निकालना है तो सबको किताब, और हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे आपका 750 का 12% जल्दी निकाल लेना है, तो अगर 750 का अगर हम 12% निकालते हैं तो 12 बटा 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 दुना 12 और 5 दुना 10 और 15 5 75 और 15 6 90, यानी टोटल अगर आप निकालते हैं 750 का 12% तो आपका जो आंसर आता है वो 90 के बराबर आता है, और बुक का जो वृद्धि है, टोटल लाभ है, तो यहाँ 750 का 12% लाभ जो निकला वो 90 रुपया, और लाभ जो टोटल था वो 41 रुपया, और 90 रुपया 41 रुपया का अगर हम अंतर निकालते हैं तो यहाँ 9 होगा, यहाँ 8 में से 4 यानी 49 जाएगा। यानी हम बात करना चाह रहे हैं कि ये जिसका पूछेगा उसका उतना परसेंट निकालेगा। देखिए, आपको यहाँ पे है कि 750 का 12%, क्यों 12% निकाले, क्योंकि मुझे किताब निकालना है, अगर किताब निकालना है तो सबको हम कलम मानेंगे, और कलम निकालना है तो सबको हम क्या मानेंगे, किताब मानेंगे। लगता है मेरी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ आइए, दोनों के बीच का अंतर, कंसेप्ट तो यही कहता है कि बुक का अंतर और मेरा अंतर, दोनों को अंतर निकालेंगे, अंतर 4900, यहाँ दोनों का अंतर 7%, और 7% हट जाएगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, 4749 आपका आंसर जो होगा वो 700 के बराबर होगा। और अगर कलम की बात करेगा तो कलम 700 में 750 में अगर 700 चला जाएगा
तो मेरा आंसर जो होगा वो 50 के बराबर होगा। अगर कोई कलम निकालता तो डायरेक्ट हम किताब निकालेंगे, और किताब में तो हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, कलम निकालेंगे। तो चलिए हम आगे प्रश्न देखते हैं कि इसी तरह का प्रश्न और कहां से पूछता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आपका था गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न में, क्वेश्चन और इधर देखिए कि क्वेश्चन कैसे है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 केजी की दर से आलू तथा 12 रुपए की दर से परवल खरीदा और 16 केजी सब्जी का मूल्य 143 रुपए है, तो बताएं कि कितना आलू खरीदा। जरा सोचिए, तो यहाँ टोटल जो आपका है वो 16 केजी है। अभी बताइए तो दो भागों में बांटना है कि नहीं, और दो भागों में जहां बांटना होगा तहां हम गाय मुर्गा का कंसेप्ट क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और गाय मुर्गा का कंसेप्ट पता है कि गाय निकालना है तो सबको मुर्गा मानेंगे, और मुर्गा निकालना है तो सबको गाय मानेंगे। तो जो टोटल सब्जी है यानी कुल कितना सब्जी है, तो कुल टोटल सब्जी इसको बांटना है उसको हमेशा यानी 16 केजी में ही बांटना है, इसलिए 16 केजी लिखना है। इससे आपका जो टोटल रुपया लग गया यानी मूल्य लग गया वो 143 रुपया लग गया। अब जाना ध्यान देना है कि यहाँ आलू कैसे रुपये है, तो आलू आपका है और आपका परवल है। तो आइए, आलू आपका है 5 रुपए और परवल है 12 रुपए। लगता है कंसेप्ट है कि आलू निकालना है तो परवल मानिए और परवल निकालना है तो आलू मानिए। बोलिए किसका पूछा है, तो आलू पूछा है। और अगर आलू पूछा है तो जरा सोचिए, तो आलू पूछा है तो परवल मानेंगे और परवल पूछा है तो आलू मानेंगे। अगर हम जाए बाजार और बाजार जाए 16 केजी को परवले मान ले तो हमको 16 × 12 करना होगा, और अगर परवल निकालना है तो आलू निकाल लेंगे तो 16 × 5 करना होगा। तो जरा सोचिए, तो आलू निकालना है तो सबको परवल मानेंगे और ये दोनों को गुना करेंगे। 16 केजी को परवल ही मान ले और 1 केजी परवल का दाम जो आपका है वो 12 रुपए और 1 केजी का दाम जो है वो आपका 5 रुपए है। तो बोलिए, तो आलू अगर निकालना है तो सबको क्या मानेंगे, परवल मान लेते हैं। और अगर परवल मान लेंगे तो 16 गुने कितना करेंगे, 12, तो 12 × 6 = 72 के 2 हो जाएगा, हाथ में कितना होगा 1 होगा, और 16 × 1 = 16, 12 × 6 = 72 के 2 हाथ में 7, और 16 × 1 = 16, और 16 × 7 हो जाएगा कितना, 16 × 7 आपका हो जाएगा 23, यानी 232 के बराबर होगा। तो चलिए, चाहे 12 × 6 = 72 हो जाएगा, 12 × 1 = 12, 12 × 7, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, 12 × 6 = 72 के 2 हाथ में कितना हो जाएगा, यानी 12 × 6 = 72 के 2 हाथ में 7, और 12 × 1 = 12, 12 × 7 = 19, 192 के बराबर। चलिए, यहाँ आपका 192 के बराबर हो रहा है, और यहाँ टोटल, तो दोनों को गुना किए तो 192 आया, यहाँ आपका जो है वो 143 है। तो मेरा दोनों का 192 और यहाँ 43 और दोनों के बीच का क्या करेंगे, सबट्रैक करेंगे। तो यहाँ आपका 12 में से 3 गया तो 9 बचा, और यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका 9, तो यानी यहाँ आपका 5 बचा, ये आपका कैंसिल हो गया, यानी आपका आंसर जो होगा 59 के बराबर होगा। फिर से यानी यहाँ आपका 2, यानी आपका यहाँ 12, 12 में से आपका कितना, यानी 4, तो 4 यहाँ 4 बचा है ना, तो यहाँ 4 होगा, यानी 49 के बराबर हो गया। तो बोलिए, तो बुक कह रहा है टोटल अंतर 49 का, और हम कह रहे हैं टोटल अंतर 7 का, यानी यहाँ गुना करके लाए 100 और यहाँ अंतर, दोनों का अंतर निकालेंगे तो यहाँ अंतर 7 का, आपका कट करेंगे तो आपका आंसर क्या केजी, 7 केजी, यानी 16 केजी में आलू आपका 7 केजी के बराबर है। अगर डायरेक्ट यहाँ पे आप परवल निकालना चाहते हैं तो परवल निकालेंगे तो 16 बचे कितना, 80, यानी 143 यहाँ और 80 यहाँ। तो बोलिए, दोनों को घटाना चाहते हैं तो घटा देंगे तो यहाँ 13 ये 3 हो जाएगा, यहाँ 14 में से तो 6 बचा, अगर 6 होगा और यहाँ कट करेंगे तो 9 होगा, यहाँ 7 होगा क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 7 होगा। तो यहाँ आपका 63 है और यहाँ दोनों का अंतर 7 है, यहाँ कट करेंगे तो 9 केजी आएगा। और बोलिए, तो 9 केजी 7 केजी 16 केजी के क्या होगा, बराबर होगा, यानी आपका आंसर यहाँ 9 केजी और यहाँ आपका 7 केजी, और दोनों को जोड़ेंगे तो 16 केजी के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए, इस तरह का प्रश्न आपका गाय और मुर्गा के संबंधित प्रश्न को देख रहे थे, और हम आगे अभी टाइप और बचा हुआ है गाय मुर्गा संबंधित पर। तो चलिए हम देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन आपका है, अब देखिए गाय मुर्गा का कंसेप्ट है, लेकिन हम यहाँ पे समय दूरी का क्वेश्चन देख रहे हैं। समय दूरी में इस तरह का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 90 किलोमीटर की दूरी कुछ साइकिल से, यानी 90 किलोमीटर की दूरी जो है वो कुछ साइकिल से दूरी तय किया तो कोई पैदल किया, और टोटल जो समय लिया वो कितना, तो 8 घंटा लिया। यदि साइकिल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो और पैदल की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताएं कि उसने पैदल यात्रा कितने समय के लिए किया। तो चलिए, पैदल यात्रा कितने समय के लिए किया, तो टोटल जो आपका टाइम दिया हुआ है यानी टोटल समय जो दिया हुआ है वो क्या घंटा, 8 घंटा। कंसेप्ट क्या करता है कि जब भी अगर दो भागों में किसी भी चीज को बांटना है तो हम गाय मुर्गा का कंसेप्ट क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो जरा सोचिए, तो यहाँ समय आपका टोटल 8 घंटा, 8 घंटा में कितने
चीज चलाए हैं, तो दो चीज चलाए, गाय भी चलाए और मुर्गा भी चलाए। आप बातें को समझ रहे हैं कि जहां दो भागों में अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे वो एसआई का हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे समय दूरी का हो, चाहे आपका आलू नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन हो, तो आप आसान तरीका से यहां बना सकते हैं। तो टोटल समय 8 घंटा, कुछ लोग यहां एक्स मानते हैं, यहां मानते हैं, तो रटने की जिन्हें कुछ लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कंसेप्ट है कि अगर गाय निकालना है तो सबको मुर्गा, यानी आपको निकालना है पैदल तो सबको मानेंगे साइकिल, और निकालना है साइकिल तो पैदल मानेंगे। और टोटल जो दूरी तय किया वो आपका कुल जो दूरी तय किया है, यानी टोटल दूरी जो आपका है वो 90 किलोमीटर के बराबर है। और अगर टोटल समय आपका 8 घंटा ले रहा है, अगर टोटल समय आपका 8 घंटा है और दूरी आपका जो है वो 90 किलोमीटर के बराबर है, और जरा सोचिए तो अब दो भागों में इसको क्या करना है, बांटना है। और अगर साइकिल से अगर वो चलता है तो साइकिल से जो चाल है वो आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका जो है पैदल जो है वो आपका है 9 किलोमीटर क्या प्रति घंटा। और जब 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देखने वाली बात है कि अगर आपको समय निकालना है तो अगर साइकिल का निकालना है तो सबको पैदल मानेंगे, और अगर पैदल निकालना है तो सबको क्या मानेंगे, साइकिल मिलाएंगे। तो इसने पैदल कितना चला, तो ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर पैदल निकालना है तो सबको साइकिल से चलिए। तो 8 किलोमीटर प्रति 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी अगर चाल होगी, और अगर 8 घंटा टोटल तय किए होंगे, तो 18 क्या होता है 44, यानी टोटल दूरी तय किया, क्योंकि सबको पता है कि दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुने क्या होता है समय होता है, इतनी बातें तो सबको पता होगा। देखिए कितना आसान तरीका है कि अगर साइकिल निकालना है तो पैदल, पैदल निकालना है तो गाय निकालना है तो मुर्गा, आलू निकालना है तो आपका परवल, आलू निकालना है तो घंटा मानिए, निकालना तो प्रबल मानिए, निकालना है आपका गाय तो निकाल लीजिए मुर्गा, निकालना है आपका पैदल तो मान लीजिए साइकिल, और साइकिल तो 18 44 और यहाँ 90, दोनों के बीच का अंतर कर लेंगे, यहाँ अंतर करेंगे तो 4 का 4 होगा, यहाँ करेंगे तो आपका आंसर कितना 5 के बराबर होगा, यानी 54 हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर यहाँ पर पैदल निकालना है और यहाँ आपका निकालना है, तो दोनों के बीच का अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ आपका था कि टोटल दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपका है कितना, तो 54 किलोमीटर। अगर यहाँ बात करते हैं कि टोटल 54 किलोमीटर है, तो हम यहाँ पे समय निकालना चाहते हैं, समय बराबर जो होता है वो दूरी बटा चाल के बराबर होता है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, तो 54, और यहाँ दोनों के बीच किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ भी आपका 9, तो यहाँ दोनों के बीच का अंतर 54 और यहाँ दोनों का बीच का अंतर 9 और 9 × 54, यानी आपका आंसर जो होगा वो 6 घंटा के बराबर होगा। और अगर यहाँ साइकिल निकालना होता तो यहाँ 9 × 72 = 18 आता, और 18 बटा अगर यहाँ 9 करते तो 9 × 2 = 18 करते, और 6 × 2 = 8 के बराबर पैदे। जैसे यहाँ पे कि अगर साइकिल कोई को निकालना है तो साइकिल निकालना है तो दोनों का अंतर निकालेंगे, तो यहाँ पे जरा साइकिल निकालना है तो सबको पैदल मानेंगे, तो 9 × 72 = 72 आया, और 90 में से 72 जाएगा तो 18 बचेगा, और 18 बटा अगर यहाँ करेंगे 9 तो 9 × 2 = 18, यानी 6 घंटा 2 घंटा आपका जो टोटल होगा वो 8 घंटा का क्या होगा बराबर होगा। तो जरा सोचिए, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है समय दूरी का, और हम रेशियो में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले भी हम बोले कि रेशियो पूरे मैथ का बेस है, जो हर क्वेश्चन आप इस तरह का। चलिए, एक क्वेश्चन आपका जो था वो गाय मुर्गा पर संबंधित प्रश्न था। तो क्वेश्चन था कि यदि 10 हजार रुपया का कुछ भाग 10% की दर पर और तथा शेष जो है वो 12% ब्याज की दर पर उधार लगाया, एक वर्ष के लिए उसने कुल 1090 रुपया प्राप्त हुआ, तो उसने कितना धन 10% पर उधार दिया। तो ये जो क्वेश्चन है वो गाय मुर्गा पर संबंधित है, यानी टोटल आपको हम बोले भी थे कि अगर दो भागों में किसी भी चीज को अगर बांटना है, तो जहां दो भागों में अगर बांटना है तो गाय मुर्गा का कंसेप्ट क्या करेंगे, लगाएंगे। तो दो भागों में बांटना है तो टोटल आपका जो है वो 10,000 रुपया है, यानी धन टोटल 10,000 है, और एक साल के बाद यानी कुल जो ब्याज आया है वो 1090 रुपया के बराबर आया है। ये इतनी बातें आप समझ रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आपका है कि पहला जो राशि है उस पर 10% की दर से और दूसरा जो राशि है वो 12% की दर पर कुछ धन लगाया, तो 10,000 रुपया को दो भागों में बांटकर
कुछ भागों को 10% की दर से और कुछ भागों को 12% की दर पर उसने लगाया। तो क्वेश्चन में कहता है कि 10% की दर पर कितना रुपया लगाया। तो जब भी किसी दो भागों में अगर बांटना होता है तो हम गाय मुर्गा का कंसेप्ट क्या करते हैं, लगाते हैं। तो गाय मुर्गा का अगर कंसेप्ट लगाएंगे तो बोलिए तो अगर हमको निकालना है फर्स्ट वाला टर्म जिसको हम लोग क्या परसेंट कह रहे हैं, 10% की दर वाला कह रहे हैं। अगर ये 10% की दर वाला कह रहे हैं तो दोनों के बीच का निकालेंगे तो 10,000 का 12% निकालेंगे। तो 10,000 का अगर 12% है तो आपका आंसर 1200 रुपया होगा और यहाँ आपका 290 रुपया के बराबर होगा। तो टोटल आपका धन, आपका ये 1200 कहां से आया। तो हम क्या करेंगे कि टोटल जो अगर 10% वाला निकालना होता है तो हम 12% निकालते हैं और अगर 12% निकालना है तो हम 10% की दर से निकालते हैं। तो चलिए आइए, यहां कहता है कि धन टोटल 10,000 है और 10,000 में 10% और 12% वाला चाहिए तो 12% लगाएंगे। तो टोटल ये दोनों के बीच का अंतर 0 होगा। अब दोनों का अंतर निकालते हैं, यानी जो यहां ब्याज आया 100 और जो यहां ब्याज आया 100 दोनों का अंतर निकालेंगे। यानी आपका 10,000 का 12% अगर निकालते हैं तो 1200 रुपया के बराबर आता है। यही 1200 जो ब्याज आया 100 और जो ओरिजिनल बुक का है 100 दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। यहाँ 1 होगा, यहाँ पे आपका कितना 1 होगा, आपका आंसर 110 के बराबर होगा। अब 110 तो बुक कह रहा है टोटल अंतर 110 का और हम यहाँ टोटल अंतर 2% का और ये परसेंट हटेगा ऊपर 100 चला जाएगा यानी आपका 100 हो जाएगा। यहाँ कट करेंगे तो 50 × 100 होगा, आपका आंसर 1155, आपका आंसर 5500 के बराबर होगा। अगर 12% निकालना तो मुझवाने निकाल सकते हैं, बोलिए तो यहाँ पे आपका 4500 होना चाहिए कि नहीं। अगर 12% वाला चाहिए तो सबको 10 मानेंगे, 10,000 का 10%, 1000 और 1090 का अंतर 90 और 90/2 करेंगे 45/90, आपका आंसर 4500 के बराबर होगा। आशा है कि आप इस तरह का क्वेश्चन आप फट से ऐसे बनाएंगे, कहीं पे एक्स मानने की जरूरत नहीं है, कहीं पे एलिगेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अगर जहां दो भागों में बांटना है तो हर हाल में आप गाय मुर्गा का कंसेप्ट क्या करेंगे, लगा के चलेंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। तो चलिए, एक टाइम ये आपका गाय मुर्गा पर आधारित आपका प्रश्न था कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए दंड स्वरूप 1 अंक काट लिया जाता है। यानी यहाँ आपका जो क्वेश्चन है वो 1 अंक काट लिया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि 1 अंक काट लिया जाता है और एक कुल उसने तब सही के लिए गलत के लिए यानी सही के लिए उसको 4 अंक मिलता है और गलत के लिए उसको 1 अंक काट लिया जाता है। एक परीक्षार्थी कुल 125 प्रश्न को अटेम्प्ट किया यानी उसने बनाया और टोटल जो लाया वो 250 अंक लाया, तो बताया कि उसने कुल कितना सही उत्तर दिया। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो अगर आपको बात यहां किया जाए कि कितने उसने सही उत्तर दिया तो आपका प्रश्न यही कह रहा है कि 125 प्रश्न का हल किया उसे 250 अंक प्राप्त हुआ, तो बताया कि उसने कुल कितना सही उत्तर दिया। तो 125 प्रश्न को कितने भागों में, दो भागों में बांटना है। तो 125 प्रश्न को अगर दो भागों में बांटना है तो टोटल 125 प्रश्न हुआ कुल। तो कुल 125 प्रश्न हुआ और यहां पे अगला कहता है कि टोटल जो अंक प्राप्त होता है, कुल आपका 125 अंक प्राप्त हुआ और यहाँ टोटल जो कुल अंक लाया है वो आपका जो है वो 250 है और कहता है सही उत्तर के लिए आपका 4 अंक मिला और गलत उत्तर के लिए आपका जो मिला वो 1 अंक काट लिया जाता है। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होगा। अब बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि क्यों हम माइनस और क्यों हम प्लस लिखे हैं। तो माइनस हमने इसलिए लिखा क्योंकि गलत के लिए 1 अंक दंड स्वरूप काट लिए जाते हैं और सही उत्तर के लिए 4 अंक मिल जाते हैं। तो सही के लिए 4 अंक और गलत के लिए -1 अंक काट लिए जाते हैं। तो कुल 125 प्रश्न को उसने अटेम्प्ट किया यानी बनाया। अब ये टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, अंक लाया कितना 250। तो पूछा क्वेश्चन में कि बताइए कि उसने सही कितना प्रश्न किया। तो आइए, क्वेश्चन ये गाय मुर्गा पर आधारित है, निकालना है सही तो मान लीजिए गलत और निकालना है गलत तो मान लीजिए सही। तो टोटल अगर गलत निकालते हैं तो गलत ही मान लेते हैं। तो गलत क्यों मान रहे हैं,
क्यों गलत मान रहे हैं? क्योंकि हमको सही निकालना है। तो सही को अगर गलत निकालेंगे तो अगर बोलिए तो 125 प्रश्न को अगर हम सब गलत बना देंगे तो -125 आएगा कि नहीं। और आपका अंतर है कि 250 और 125 का मुझे अंतर निकालना है, और अंतर मतलब होता ही है कि दोनों को घटाना। तो जरिए तो अगर ये प्लस है तो घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी दोनों को अगर अंतर करते हैं और अंतर का अगर माइनस में होता है तो दोनों आपस में क्या होता है? प्लस होता है। थोड़ा समझना है कि दो और माइनस एक का अंतर क्या होगा। तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो दो माइनस माइनस एक, क्योंकि हम सबको पता है कि बड़ा वाला में से अगर छोटा वाला को घटाते हैं तो वही आपका अंतर का डिफरेंशियल होता है, और अंतर कहता है कि बड़ा में से छोटा को क्या करना, रिड्यूस करना। तो दो करेंगे माइनस माइनस प्लस करेंगे, आपका आंसर तीन के बराबर होगा। तो चलिए यहां भी आपका क्वेश्चन यहां कह रहा है कि अगर यहां दो कर दे और यहां पे अगर हम माइनस चार कर दे तो अंतर क्या होगा? तो दो माइनस माइनस चार होगा, और दो करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, यानी चार होगा, यानी चार और दो कितना होगा? छह होगा। यानी आप बात को समझ रहे होंगे कि क्या होना चाहिए, कि अगर दोनों में से सीधा सोचना है कि माइनस का अंतर हमेशा प्लस होता है, और यानी सेम साइन का अंतर घटता है, और डिफरेंस साइन का अंतर हमेशा क्या होता है? जुड़ता है। यानी डिफरेंस निकालने के लिए अगर एक माइनस सिंबल आ जाए तो हमेशा उसे जोड़ देंगे। तो बोलिए तो यहां प्लस की जगह माइनस आ गया, दोनों पहले तक प्लस आ रहा था, तो यहां अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका आंसर पांच होगा, यहां पे आपका सात होगा, यहां पे तीन एक चार होगा, तीन एक तीन का तीन यानी 375 के बराबर। फिर से हम एक बात को समझा दें कि अगर डिफरेंस साइन होगा, तो डिफरेंस साइन अगर होता है तो हमेशा अगर क्या होगा? जुटेगा। और अगर सेम साइन होगा तो हमेशा क्या होगा? घटेगा। कब? जब हम अंतर निकालेंगे तब। लगता है सारी बातें सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोनों के बीच का अंतर 375 पे यहां करेंगे। बुक कह रहा है 375 का अंतर। अंतर मतलब होता ही है कि अगर दोनों में से एक अगर माइनस में हो जाए तो जोड़ देंगे, और अगर दोनों प्लस रहता है तो घटा देंगे, यानी सेम साइन जुटेगा और डिफरेंस साइन क्या होगा? घटेगा। तो आइए 375 यहां करेंगे तो चार और पांच का अंतर जो आपका होगा वो चार और पांच एक का अंतर पांच होगा, कट करेंगे सात पचे 35, दो करेंगे पांच और 25, यानी सही प्रश्न जो दिया वो 75 दिया। अब बात आती है गलती का, तो गलती क्या करेंगे? 125 में से 75 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए जैसे पहले हम यहां देख ले रहे हैं कि अगर किसी लड़के को गलती बताना है, तो गलती बताना है तो क्या करेंगे? सबको सही मानेंगे, तो 125 चौंक को, अब 125 चौंक को आपका होता है 500। अब 500 आया और यहां अंतर 250 होगा। अब बोलिए तो दोनों जगह प्लस है, क्योंकि यहां सही के लिए प्लस और यहां करेंगे तो टोटल 500 आया, 250 तो 250 के बराबर होगा, तो यहां 250 ही होगा, लेकिन यहां दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो चार और एक पांच होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस साइन हमेशा जुटता है और सेम साइन हमेशा घटता है। तो पांच करेंगे तो आपका आंसर 525, यानी आपका 50 होगा, यहां से 50 और वहां से 75, टोटल आपका जो आंसर होगा और 125 के बराबर होगा। यानी आप समझ रहे होंगे कि निकालना है सही तो मान लेंगे गलत, और गलत निकालना है तो सबको मान लेंगे सही। ये था आपका गाय और मुर्गा पर जितने भी संबंधित प्रश्न थे, उस सारे तरह के क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। तो चलिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, और अगर आप अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहे, और हम टाइप बाय टाइप आपका क्वेश्चन करते चले जाएंगे। तो चलिए धन्यवाद, नमस्कार।